बिग बॉस का पहला हफ्ता तो हो चुका है अब खत्म और कल होने वाला है वीकेंड का वार। पहला हफ्ता काफी इंटेंस गुजरा, काफी सारी लड़ाइयां, थोड़ा बहुत प्यार, बहुत सारा ड्रामा के साथ पहला हफ्ता जो है फाइनली खत्म हो चुका है। और कल लगने वाली है वीकेंड का वार पे सलमान की तरफ से क्लास घर वालों की। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर कल कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि इस हफ्ते घर में हुए, जिस पे सलमान करने वाले हैं बात और जिसके जरिए लगेगी घर वालों की क्लास। तो प्रोमो के हिसाब से जो प्रोमो बाहर निकल के आया है अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले ईशा मालविया को किया गया टारगेट, जो कि घर में एंट्री के वक्त उन्होंने बोला था कि फिजिकल वॉयलेंस किया गया था उनके ऊपर अभिषेक कुमार के तरफ से, जब वो उनके साथ रिलेशन में थी या फिर किसी भी तरह से इंपर्सनल कॉन्टैक्ट में थी, जो कि वो मान नहीं रही थी कि रिलेशन में थी वो, लेकिन अभिषेक कुमार की तरफ से कहना था कि ईशा मालविया में उनके साथ रिलेशन में थी। तो इस बारे में सलमान जो है उनकी बहुत ही अच्छे से कल क्लास लगाने वाले हैं। प्रोमो में वो साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से ईशा मालविया से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब आपको इस बात का वो था कि उन्होंने आपको फिजिकल वॉयलेंस किया है आपके ऊपर, तो फिर आप जब बिग बॉस ने पूछा कि क्या आप अभिषेक को अपने रूम में इनवाइट करना चाहेंगी या फिर अपने घर में शिफ्ट कराना चाहेंगी, तो उस पर आपने हामी क्यों भरी, इससे बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। और सलमान ने इसी मुद्दे को उठाया और इसी मुद्दे पे सवाल किए हैं ईशा मालविया से। वहीं साथ में मनारा चोपड़ा पे जो इल्ज़ाम लगाया था ईशा मालविया ने, ये बोलते हुए कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, तो वो टैग भी दे दिया ईशा मालविया को और उस पर भी ली अच्छी खासी क्लास उनकी। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि और इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि कल उठने वाले हैं कल के एपिसोड में। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही बिग बॉस से रिलेटेड हर एक खबर को देखते और सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें वी स्टारलेट एंटरटेनमेंट।